आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और आइए अब बात करते हैं दिल्ली में हो रही सियासत की। दिल्ली में छठ पर हो रही सियासत और छठ से पहले मैली हुई यमुना नदी की बात करते हैं। दिल्ली में छठ पर्व की शुरुआत के साथ ही सियासत भी तेजी से बढ़ रही है। एक दिन पहले द्वारका इलाके में छठ घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनाने देने के कई आरोप लगा दिए। जबकि दूसरी तरफ छठ से पहले यमुना नदी में बढ़े हुए प्रदूषण ने भी छठ पूजा करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और इस मुद्दे पर भी अब सियासत तेज होने लगी है। इस सियासत पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही ये दो तस्वीरें पहले देख लीजिए। दिल्ली में छठ पर सियासत, एक दूसरे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि आपने छठ घाटों को नहीं बनने दिया, तो दूसरी पार्टी कह रही है कि आपने हमें पूरी तरह से खुली छूट नहीं दी ताकि हम घाटों का बेहतर तरीके से निर्माण करा पाते। और ऐसे में तो अब आप ये सोचिए कि ट्विटर पर एक अलग तरह की वॉर भी शुरू हो गई है दोनों पार्टियों के बीच, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, छठ से पहले यमुना मैली हो गई है, लेकिन नहाए खाए के साथ शुरुआत हुए इस छठ पर्व की और उसी के साथ देखिए आस्था में किस तरह से मैली हुई यमुना के बीच ही डुबकी लगाकर इस पर्व की शुरुआत करनी पड़ रही है। आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बीजेपी किस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को, सरकार को घेरती हुई दिख रही थी, लेकिन अब मामला आम आदमी पार्टी ने किस तरह से मोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी पर अब छठ घाटों का निर्माण रोकने का ही उसने आरोप लगा दिया है। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट की मरम्मत पर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद विरोध दर्ज कराने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर, जब आप छठ मनाने जाएं इन घाटों पे तो बहुत सावधानी के साथ जाएं, थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है। कोरोना कम हुआ है लेकिन गया नहीं है, और हम सब जानते हैं दिल्ली की वेव में हमने देखा है कि कोरोना कितना जानलेवा है। तो इसलिए सावधानी से मनाएं, सतर्कता से मनाएं, लेकिन मनाना है और बहुत भव्यता के साथ, बहुत दिव्यता के साथ मनाना है। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है, जहां भी आपको जो सहयोग चाहिए और भी कुछ होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई, छठी मैया सबके ऊपर आपका अपना आशीर्वाद बना के रखे और सब बहुत भव्यता से छठ मनाएं। इन 800 घाटों पर छठ बड़ी शानदार से मनाई जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। छठ घाटों पर जो सियासत हो रही है उस पर ना बात करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कोरोना को लेकर कहा कि तमाम जो श्रद्धालु घाटों पर जा रहे हैं थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें, भीड़ लगाने की कोशिश ना हो, इस बात की जरूर आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बीच लगातार वो इस बात को आगाह कर रहे थे क्योंकि भीड़ जैसे लगेगी वैसे ही कोरोना के बढ़ने का खतरा मंडराएगा, और ऐसे में वो लगातार छठ पर्व में शामिल हो रहे श्रद्धालुओं से अपील करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। लेकिन वापस आइए, वापस बात करते हैं दिल्ली में छठ पर जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उस पर। दरअसल पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये लगाए जा रहे थे कि आपने घाटों की मरम्मत ठीक नहीं की, फिर कहा कि हम जब मरम्मत करने पहुंचे तो आपने मरम्मत नहीं करने दी। और इस सियासी रंग के बीच एक यमुना की तस्वीर सामने आई है जिसमें नहाए खाए के साथ ही जिस तरह से छठ पर्व की शुरुआत हुई है, मैली यमुना में नहाना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। सुनिए लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं।
यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोक रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। और इस बीच छठ पूजा पर हो रहे विवाद के बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी द्वारका पहुंचे और छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाने का दावा किया और इस दौरान वहां मौजूद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई। द्वारका में जिस छठ घाट को बनाने को लेकर विवाद हो रहा है वहां पर सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी दो दिन से प्रोटेस्ट कर रही थी, अब क्या अंत में फैसला हुआ? मेयर साहब भी आपके साथ हैं, विधायक जी बाहर खड़े हैं, उनके समर्थक हैं, क्या कहेंगे? छठ बन रहा है जी, पुरानी छठ नहीं बन रही थी? ऐसा देखिए, ये हाँ। एक जो आपको दिखाई दे रहा है पार्क जो है एक बहुत ही खराब स्थिति में था हाँ। और यहाँ के जो पहले यहाँ के विधायक रहे हैं हाँ। जो इस एरिया के सांसद रहे हैं हाँ। जो अपने आप को पूर्वांचल का ही नेता मानते हैं, वही लोग यहाँ पे सारे कब्जा करवाते आए थे। हमारे जो मेयर हैं मुकेश जी, यहाँ पर अपना डीडीए का कब्जा करवाया, फिर वो डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया और आज एक नहीं यहाँ पर जो अपना छठ ये लोग मनाते थे। और यहाँ पे ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समिति के लोग उपस्थित हैं और सभी की रजामंदी से ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से होगा। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी पर ही छठ घाट के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जहाँ 30 साल से पूजा हो रही थी वहां उन्होंने पूजा नहीं होने दिया, अब जब दबाव पड़ा था एक डिस्प्यूटेड साइट पे जाकर कह रहे हैं हम घाट बना रहे हैं, जब लगा कि अगर हमने ये किया तो हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, तब इन्होंने जाकर एक डिस्प्यूटेड लैंड पे जो वहां से बहुत दूर है, बहुत गंदगी जहां पे, वहां वो घाट बनाने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज आए, इस छठी मैया के नाम पे अपनी एमसीडी की तलाश आप ना करें। पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा नजर आए हैं और इस वीडियो में विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सागरपुर इलाके में एक पार्क के गेट के पास खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि भीड़ ने कुछ देर बाद उस पार्क के गेट को तोड़ दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को पार्क का गेट तोड़ने के लिए कहा। हंगामे पर विनय मिश्रा ने खुद सफाई दी और बताया कि उन्होंने प्रशासन से जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया गया, जिसके बाद वो पार्क का गेट खोलकर वहां से चले गए। छठ को लेकर लगातार सियासत हो रही है। द्वारका में दो दिन से आम आदमी पार्टी के विधायकों का धरना चल रहा था और कल शाम तो हद यहां तक हो गई कि विधायक ने अपने समर्थकों के साथ इस पार्क का दरवाजा तक तोड़ डाला। खुद विनय मिश्रा है हमारे साथ और वहां पर जाकर कुदाल चलाए। विनय जी, दरवाजा तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? कल हमने देखा कि आप लोगों से कह रहे हैं कि अब दरवाजा तोड़ेंगे, कुदाल चलाएंगे और छठ मनाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो महात्मा गांधी जी को भी पूछती है और भगत सिंह जी को भी पूछती है। परसों से हम इनसे विनती कर रहे थे, हम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, इनके मेयर से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मेरे साथ मेरे और जो साथी विधायक सोमनाथ भारती जी, संजीव झा जी, वहाँ एडीएम साहब, एसडीएम साहब थे, दिल्ली पुलिस के एसीपी थे, डीसीपी थे, हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करी मेयर साहब से कि भैया देखो।